can make money from money. You can share your knowledge. The best investment you can do is the investment you do in yourself. Don't be depressed and be happy. अभी हम लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है एक्सटेंशन को लेके लॉकडाउन की, तो मेरे को लगता है कि एकदम सही डिसीजन है। और मैंने अपने चैनल पे जो पोल चलाया था उसमें भी आप लोगों ने 90% लोगों ने बोला कि एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिन कंट्रीज ने लॉकडाउन नहीं किया और लेट लॉकडाउन किया और कम टाइम के लिए लॉकडाउन किया, उनकी क्या हालत हो रही है। मतलब इटली और अमेरिका हम लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम सही डिसीजन है, पर मुझे पता है कि काफी लोगों को इससे परेशानी होगी। और इस टाइम पे ये जो एक्सटेंशन का टाइम है लॉकडाउन का, हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये पूरी वीडियो है। हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और चीज़ें बताने वाली जो आप ना करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे इस टाइम पे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। और क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं हमारे फाइनेंसेस में और काफ़ी सारी चीज़ों में, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोग प्लान कर सकते हैं इस टाइम पर। ये बेस्ट टाइम है काफ़ी चीज़ें सीखने का और प्लान करने का, तो आई टेल यू कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी घर के थोड़े चोर्स बाकी हैं तो मैं अभी पहले उनको कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है और पूरा दिन निकल गया। मैंने तभी सोचा था कि मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन आरू की वजह से हम लोग बिजी रहते तो मैं शूट नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो आप लोगों को बोलूँगी कि ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, जितना हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करो। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी मुझे लगता है आप लोगों को, अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देखेंगे। फाइनेंशियली भी मैंने जैसे बताया कि काफ़ी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे कमा सकते हैं, और कैसे ये लॉकडाउन ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है आप लोगों के लिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जरूर पूरी वीडियो देखना। फ्रेंड्स, कैसे आप इस लॉकडाउन में कमा सकते हैं, वो टिप्स शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो आप जरूर अभी के अभी कर लीजिए। जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो है कि आप आरोग्य सेतु ऐप अभी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। अगर आप गाँव में हैं, अगर आप सिटीज़ में कहीं भी हैं, आप इंडिया में अगर हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप किसी हॉटस्पॉट जैसे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो अगर आप ऐसी कोई जगह गए तो आप लोगों को इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा कि अगर आप ऐसी कहीं जगह गए, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डाउनलोड कर लो, जैसे ही आप घर से बाहर निकलो अपना ब्लूटूथ ऑन करो। ये जो ऐप है ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में है, इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती है उनमें से काफ़ी मेजर लैंग्वेजेस इसमें हैं अवेलेबल। डेफिनेटली आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्द से जल्द इसमें लॉग इन कर लीजिए। ये ना ही आपके लिए हेल्पफुल है, ये गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई ऐसा इंसान है तो क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऐप है तो उनको डायरेक्ट पता चलता रहेगा और आपकी हेल्प कर सकते हैं वो लोग। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आयुष मंत्रालय की साइट चेक करो और वहाँ पे जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिप्स दे रखे हैं उनको फॉलो करो, जैसे गर्म पानी पीना, योगा करना है, हल्दी का आप कैसे यूज करो, या लहसुन, काफी सारे टिप्स उन लोगों ने वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की साइट है, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर ये दोनों चीजें कीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है कि बिना वेरीफाई करे कोई भी फॉरवर्ड मैसेज नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड मैसेजेस है ये आपकी सेफ्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेक भी करनी है कोरोना वायरस के बारे में या हेल्थ के बारे में, तो आप
एनसीडीसी जो कि है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल या WHO जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों साइट्स पे जाके आप कोरोना वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। पर आप ऐसी कोई फॉरवर्ड मैसेज में ना तो बिलीव करो और ना ही फॉरवर्ड करो, तो ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी मत करो इस टाइम पे। और फ्रेंड्स अब आते हैं मुद्दे की बात पे जो कि है फाइनेंस से रिलेटेड। ये पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे इस लॉकडाउन में अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि यू कैन मेक मनी फ्रॉम मनी, तो पहला टिप उसी से रिलेटेड है। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक्स में लगाने का, ये बहुत ही अच्छा टाइम है शेयर मार्केट में लगाने का। काफी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके स्टॉक्स काफी नीचे आए हुए हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप इस टाइम पे स्टॉक्स में लगा सकते हैं। पर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स कौन सी बड़ी कंपनीज के जो अभी बहुत ज्यादा गिरे, तो इस टाइम पे राइट टाइम है क्योंकि इवेंचुअली ये बढ़ेंगे। अभी इकोनॉमी डाउन आ रही है लॉकडाउन की वजह से, तो अभी आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी स्टॉक्स सस्ते में आप ले सकते हैं और बाद में उसका मुनाफा ले सकते हैं। पर अपना होमवर्क जरूर करिए और पूरा अच्छे से चेक करके ही अपना पैसा कहीं पे लगाइए। फ्रेंड दूसरी चीज जिसमें अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो है रियल एस्टेट। अभी उसमें बहुत गिरावट आने वाली है क्योंकि इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो इवेंचुअली वो लेटर ऑन रियल एस्टेट के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो ये काफी अच्छा टाइम है इस फील्ड में पैसा लगाने का, और मैं कहूंगी कि अपनी रिसर्च पूरे तरीके से करिए और तभी प्लान करिए इसमें रियल एस्टेट में खरीदने का। और फ्रेंड्स अगर आप एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एडिट पिक्स। अगर आपके पास स्टॉक्स में बहुत सारी पिक्स पड़ी हैं या अगर आपके पास DSLR था और आपने पहले बहुत सारी पिक्स खींची हुई हैं, तो काफी सारी साइट्स हैं जो पिक्स को खरीदती हैं, जैसे कि फ्लिकर है, शटर स्टॉक है, ऐसी टाइप की बहुत सारी स्टॉक फुटेज वाली साइट्स हैं जिनपे आप अपनी फोटोज बेच सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये फोटो काफी अच्छी है तो वो लोग खरीदते हैं, और हम जैसे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स वो फोटोज और वीडियोस खरीदते हैं। अगर मुझे कभी ज़रूरत होती है तो मैं भी अपनी वीडियोस में अगर मुझे कुछ दिखाना होता है तो मैं वो वीडियोस और बीरोल्स यूज़ करती हूँ। तो अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं या अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है अच्छी फोटोज और वीडियोज का, तो यू कैन यूज़ दिस लॉकडाउन टाइम टू एडिट दोज पिक्स और आप इससे पैसा कमा सकते हैं इन सब साइट्स पे अपनी फोटोज और वीडियोज डाल के। और फ्रेंड्स इस टाइम पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी साइट बना सकते हैं, यू कैन शेयर योर नॉलेज। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग गूगल करते हैं साइट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में आप इस टाइम पे कंटेंट क्रिएट करेंगे ब्लॉगिंग के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी साइट ऊपर गूगल पे रैंक करेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जो लॉकडाउन का टाइम है, आप बाहर तो नहीं जा सकते, तो इस टाइम पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर आपकी साइट रैंक करिए गूगल पे तो ऑब्वियसली यू विल अर्न मनी फ्रॉम दैट। तो ब्लॉगिंग भी काफ़ी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का इस टाइम पे। तो लॉकडाउन के टाइम पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत लोग यूज करते हैं, और आप ये ऑनलाइन कोर्सेज यूडेमी और बहुत सारी इस टाइप की साइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी कोर्सेज बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो मैं भी यूडेमी यूज करती हूँ और भी बहुत सारी साइट्स यूज करती हूँ अपने आप को अपस्किल करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है इस टाइप की और आपने कोई पहले कोर्सेज कर रखे हैं और आप उसको अलग ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप घर पे ही हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स भी इस टाइम पे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस टाइम पे ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक मतलब होता है कि आप ऑनलाइन बुक जो होती है, जो कि हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ऐसी जगह से खरीदते हैं, इस टाइप की आप बुक खुद बना सकते हैं। यू कैन राइट अ बुक ऑन एनीथिंग, मतलब घर बैठे इस टाइम पे आप बुक लिख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस इन दिस मैटर कि आप किसके ऊपर बुक लिखना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे है। और अगर किसी ने आपकी बुक पढ़ी है और उसको अच्छे रेटिंग्स दिए हैं तो इस तरीके से आपकी बुक ज़्यादा सजेस्ट होगी, अगर अमेजोन पे है तो वो ऊपर रैंक करेगी या ज़्यादा सजेस्ट होगी और पैसा कमा सकते। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 जो कि है, यू कैन बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन बिकम अ क्रिएटर। नॉट ओनली यूट्यूबर, टिकटॉक, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। कोई भी आपके पास पैशन है या हॉबी है तो आप शेयर कर सकते हैं यूट्यूब या और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है। यू कैन बिकम अ इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर एट द सेम टाइम इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और फ्रेंड्स बेस्ट पार्ट है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री टू यूज हैं, तो आप कभी भी बस अपना फोन आपके पास होना चाहिए और आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी अपना कंटेंट। फ्रेंड्स वैसे भी इस लॉकडाउन के टाइम में आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप आराम से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ इन सब प्लेटफॉर्म्स पे इजीली। तो ये मैं बोलूंगी काफी अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो जैसे यूडेमी है या बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो अभी फ्री ट्रेनिंग कर रखी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 ट्रेनिंग्स जो यूडेमी है उन्होंने फ्री
फ्री कर दी हैं जो पहले पेड थी. और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन लोगों ने इस टाइम पे फ्री ट्रेनिंग्स कर रखी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एडिटिंग की अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ और वो मेरे यूट्यूब में मुझे हेल्प करेगा. तो आप ऐसे ही अपनी कोई भी ट्रेनिंग अभी ले सकते हैं. यू कैन अवेल दिस ऑप्शन और इस टाइम का फायदा उठा सकते हैं. और फ्रेंड्स बोलते भी है ना कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज द इन्वेस्टमेंट यू डू इन योर सेल्फ. तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करेंगे तो आपको फ्यूचर में ज़रूर आपको फ़ायदा करेगी. तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं इस टाइम पे. और फ्रेंड्स लास्टली मैं बताना चाहूँगी कि आप पर्सनल फ्रंट पे आप क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे कर सकते हैं. लॉकडाउन के टाइम पे आप काफ़ी सारी प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की. अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है उसकी पर्टिकुलर आप प्लानिंग कर सकते हैं. काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपका घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं वो आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फ़ोन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. डीक्लटरिंग फोटोज़, क्योंकि जैसे हमारा फ़ोन भरा रहता है सेल्फीज़ से, अनवांटेड सेल्फीज़ या फ़ोटोज़ से. यू कैन डू डीक्लटरिंग ऑफ दैट एंड यू कैन ऑर्गेनाइज दैट. हमेशा हमारा फ़ोन मेमोरी फुल आता रहता है. तो ये काफ़ी टाइम है आपके पास, ये आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज. आप अपने फिटनेस पे काम कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप घर पे हैं तो आप अपनी फिटनेस पे इस टाइम पे ध्यान दे सकते हैं. योगा कर सकते हैं या और भी फिटनेस की काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं. आपको ऑफिस नहीं जाना है इस टाइम पे तो सुबह जल्दी उठ के आप फिटनेस पे अपने ध्यान दे सकते हैं. स्किन केयर कर सकते हैं क्योंकि आप घर पे हैं, आपको बाहर पॉल्यूशन में नहीं जाना है. तो यू कैन डू योर स्किन केयर दिस टाइम. घर पे कोई भी मास्क बनाओ और अपने फेस पे लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो तो इस स्किन को हेल्दी बना सकते हैं इस टाइम में. और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप इस टाइम में अपनी हॉबी फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि पेंटिंग है, या आप कि अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता था और गिटार अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप इतना बिजी हो गए काम में, तो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, हॉबी फॉलो कर सकते हैं. तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि आप घर पे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सोशलाइज कर सकते हैं. तो आप बोलेंगे कि लॉकडाउन में कैसे सोशलाइज कर सकते हैं, आप तो बाहर नहीं निकल सकते. अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जो कि ऐसे फ्रेंड्स जिनसे आप लॉन्ग टाइम से बात नहीं कर पाए, कि आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो आप उन फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं. हो सकता है ये आपको किसी ना किसी वे में हेल्प भी करे. तो आप सोशलाइज कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप घर पे आपके पास टाइम है. तो यू कैन यूज दिस टाइम टू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आगे हमारे भाई साहब आरू. आरू आप कुछ बोलना चाहते हो? और फ्रेंड्स अगर ये एक्सटेंशन नहीं होता लॉकडाउन का तो स्टडीज बताती हैं कि 800,000 तक भी लोग इंडिया में अफेक्टेड हो सकते थे, इनफैक्ट हो सकते थे कोरोना वायरस से. तो जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए. और फ्रेंड्स जो भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताए उससे आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. आई एम श्योर दिस टिप्स विल हेल्प यू. तो फ्रेंड्स डोंट बी डिप्रेस्ड एंड बी हैप्पी एंड यूटिलाइज दिस टाइम. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी जहाँ पे मैंने अपने पूरे घर का होम टूर दिया है. आपको उसको देख के काफी इंटीरियर आइडियाज भी मिल सकते हैं. तो आई विल सी यू देयर. बाय.